चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को देख रहे हैं। दो कंपनी हैं इसमें, एक्स और वाई। एक्स एंड वाई आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। एक्स पाकिस्तान में है, वाई इंडिया में है। अगर वाई इंडिया में है तो इसका मतलब वाई इंडियन कंपनी हो गई, तो इंडियन कंपनी होते ही रजिस्टर्ड कहाँ हो गई, इंडिया में हो गई। तो क्या बोल गया इसको, क्या कह सकते हैं, रेजिडेंट हो गई, बात ख़त्म। अब इसका बिजनेस कहाँ से चलता है, कहाँ नहीं चलता, देखने की ज़रूरत ही नहीं। एक्स पे आ जाइए। एक्स लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन कहाँ है, पाकिस्तान में है। लेकिन एक्स लिमिटेड का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दिख रहा है आपको, प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड इज़ इन इंडिया। एक्स लिमिटेड का बिजनेस जो है इंडिया से ही कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है। तो दूसरी कंडीशन एक्स ने पूरी कर ली, पहली कंडीशन वाई ने कर ली। एक ही कंडीशन पूरी करते ही दोनों की दोनों इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई, इंडिया में रेजिडेंट हो गई। समझ में आई बात। कंपनी के केस में दो बातें देखनी है, या तो इंडियन कंपनी हो या फिर उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल और मैनेज होता हो। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब जहाँ पॉलिसीज बनती हैं और जहाँ से सारे डिसीजन लागू होते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्स के केस में डिसीजन यहाँ से लागू होते हैं, हालांकि पाकिस्तान में है, लेकिन एक कंडीशन पूरी कर दी। वाई के केस में डिसीजन बाहर से हैं, ठीक है, लेकिन क्या करता है क्योंकि इंडिया में, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। तो दोनों केसेस में दोनों की दोनों कंपनी हमारी रेजिडेंट हो गई। ओके,